Hello everyone, this is Praveen Pachauri and you are watching me on Unacademy Studios K Velocity. So, bachcho, let's crack it. So, aaj ka topic bahut hi important hone wala hai, bachcho. Aaj hum baat karenge, dekhiye, ab JEE Mains ke liye dekha jaye to dates aa chuki hai. Almost dekha jaye to keval 15 din reh gaye hain. Ab last 15 days mein hume kya strategy apply karna hai jisse ki hamara JEE Mains mein selection acha ho jaye, pakka ho jaye. Uske bare mein hum yahan pe baat karne ja rahe hain. To, bachcho, yahan par hamara jo topic hai, last 15 days. Do's and don't for JEE Mains 2020. देखिए do's आप already जानते हैं, बहुत सारे मैं already videos बता चुका हूँ. आज हम इस video में बात करेंगे क्या चीजें आपको avoid करनी है, ये बिल्कुल नहीं करनी है. तो इस video को बच्चों आज last तक देखना. यहाँ पे मैं बताऊँगा कि क्या-क्या गलतियाँ जो करते हैं बच्चे, जिसके कारण last moment पर अच्छी तैयारी होते हुए भी बच्चे अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं. तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है. तो बच्चों यहां पर ये मेरा टॉपिक्स हैं, ऑलरेडी आप जानते हैं. और अगर आपने मुझे फॉलो नहीं कर रखा है तो आप जल्दी से मुझे फॉलो कीजिए, unacademy.com@praveen.kr, इस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं. और यहां पर प्लस प्लेटफॉर्म पर मेरे ऑलरेडी कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं, जिसमें मैं ज्योमेट्रिक रोटेशनल मोशन में कवर कर चुका हूं. अब मेरा जो टॉपिक है जो नया है वो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है और SHM है, जिसको मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं. तो आपने अगर प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं ले रखा है तो जल्दी से आप प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. ये प्लस के फायदे हैं. तो यहां पर हम जानते हैं कि प्लस में आपका क्या कहते हैं, यहां पर वीकली बेसिस पर क्विजेज होते हैं, टेस्ट होते हैं, डाउट क्लियरिंग सेशन, यानी हर 3 लेक्चर्स के बाद यहां पर डाउट क्लियर होते हैं, लाइव क्लासेस हैं यहां पर, और पर्सनलाइज्ड लर्निंग है. तो यानी कि यहां पर 1-to-1 बेसिस पर आपको लर्न करने को भी मिलता है. ठीक है, ये है टीम ऑफ टॉप एजुकेटर्स, आप जानते ही हैं. बहुत सारे वैरायटी ऑफ यहां पे कोर्सेज ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं और हो रहे हैं. तो आप जल्दी से जल्दी इस प्लस प्लेटफॉर्म पर आइए, क्योंकि यहां पर आपको यहां पर वीकली बेसिस पर टेस्ट सीरीज भी मिल रही है, क्लास 11th, क्लास 12th और रिपीटर्स के लिए यहां पर टेस्ट सीरीज भी है. तो ये इसके फायदे हैं. और अगेन यहां पर अगर प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो ये इसके चार्जेस हैं. 3 यहां पे 6 मंथ की बात करेंगे तो 6 मंथ का जो चार्ज है इट इज 24,000 रुपीस, एंड 12 मंथ की बात करेंगे तो इट इज 30,000 रुपीस, एंड 2 इयर्स की बात करेंगे तो जस्ट 48,000 रुपीस. तो आप कोई सा भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. अगेन यहां पर मैंने एक सुपर 30 प्रोग्राम स्टार्ट किया है. इस सुपर 30 प्रोग्राम में अगर आपको आना है तो आपको बस ये यहां पर ये कोड याद रखना है, दैट इज पीपी लाइव, इसको यूज करते हुए आपको यहां पर एनरोल करना है. तो आप मेरे सुपर 30 प्रोग्राम में शामिल हो जाएंगे. और इस सुपर 30 प्रोग्राम में मैं क्लास 11th, क्लास 12th और रिपीटर्स बच्चों को यहां पर ले रहा हूं, और जिनको मैं यहां पर पर्सनली गाइड कर रहा हूं, और जिससे कि उनका सिलेक्शन यहां पर प्रॉपर अच्छी तरह से हो जाए. ठीक है, तो इसको मैं कर रहा हूं, तो जल्दी से आप आ सकते हैं. आपको एक कोड याद रखना है, दैट इज पीपी लाइव, इसको यूज करेंगे. और इसको यहां पर यूज करने के बाद आपको अपने सब्सक्रिप्शन का स्क्रीनशॉट मुझे भेजना है, मेरे टेलीग्राम आईडी दैट इज पीपी सर, इस पर भेज सकते हैं. ज्यादा जानकारी के लिए आप मुझे यहां पर टेलीग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं, पीपी सर, तो यहां पर मुझे आप मैसेज भी कर सकते हैं. ठीक है, तो ये इसके चार्जेस हैं. तो अगर आप पीपी लाइव यूज करेंगे तो यहां पर आपको 10% स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्काउंट हो जाएगा, यानी कि जो 48,000 था वो हो जाएगा 43,200. अगर एक साल की बात करेंगे तो एक साल की फीस है 30,000. आप ये कोड यूज करेंगे तो आपका ये फी हो जाएगा 27,000 रुपीज. ठीक है, तो ये इसके फायदे हैं. अगेन यहां पर हम कैसे इंस्टॉल करेंगे, आप गूगल प्ले स्टोर में जाइए, टाइप कीजिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप, इसको इंस्टॉल करेंगे. इंस्टॉल करने के बाद आपको एक गोल चूज करना है, दैट इज IIT JEE एज ए गोल चूज करोगे. उसके बाद यहां पर आपको सब्सक्रिप्शन चूज करना है, 1 ईयर और 2 ईयर. और यहां पर ये बॉक्स दिखाई दे रहा है, इस बॉक्स में आपको एक कोड लगा देना है, दैट इज पीपी लाइव, और इसको लगाने से आपको यहां पर 10% डिस्काउंट मिल जाएगा. ठीक है, चलिए अब हम बात यहां करने वाले हैं अपने टॉपिक के बारे में. देखो बच्चों, अब हार्डली 15 दिन बचे हुए हैं और इस 15 दिन की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे. तो देखिए यहां है व्हाट नॉट टू डू, यानी जो आप पहले हम डोंट्स की बात करेंगे, बाद में हम डू की बात करेंगे, क्योंकि इस समय हमें कुछ चीजें हैं जिनको हमें टोटली अवॉइड करना ही करना है. ठीक है, तो इस समय आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है. व्हाट नॉट टू डू, तो पहला पॉइंट यह है कि आपको कोई भी नया चैप्टर इस मोमेंट पर लर्न नहीं करना है, यानी अवॉइड करना है, अवॉइड लर्निंग एनी न्यू चैप्टर. इस मोमेंट पर आपको कोई भी नया चैप्टर, या मैं बोल सकता हूं और टॉपिक,
जो आपको बिल्कुल भी नहीं मालूम है उसको बिल्कुल ही अवॉइड करना है। इस मोमेंट पर आपको कोई बॉन्डिग्री नहीं दिखानी है कि चलो भाई मैंने रोटेशन ही पढ़ा था, चलो अब लास्ट के 15 दिन बचे हुए हैं, चलो मैं रोटेशन में कुछ कर लेता हूं। देखो बच्चों, इस मोमेंट में आपके पास 15 दिन बचा हुआ है, इस समय आप कोई नया टॉपिक टच नहीं करोगे, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू ये है कि आपको यहां पर वो टॉपिक्स नहीं स्टडी करने हैं जिनका आईआईटी में वेटेज नहीं है। यानी कि वेटेज नहीं है मतलब, जैसे अगर मैं बात करता हूं, लेकिन अगर मैं कहता हूं काइनेमेटिक्स से हार्डली कोई क्वेश्चन आता है, न्यूटन्स लॉज उससे भी बहुत ही हार्डली कोई स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन आएगा, तो उसको आप ऐसे टॉपिक्स को अवॉइड कर सकते हो। यानी इन टॉपिक्स पर आप ज्यादा ध्यान नहीं दोगे। यानी इसके लिए मैं बोलूंगा कि अगर आप पिछले कुछ 4-5 साल के पेपर्स अगर ट्राई करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन से पार्ट से आईआईटी क्वेश्चन पूछता है, कौन कौन से पार्ट से आईआईटी क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो इस वीडियो में भी मैं बताऊंगा कि कौन कौन से पार्ट से आईआईटी क्वेश्चन पूछता है, उनको मैं बताऊंगा स्पेसिफिकली। बाकी आप उनके अलावा जितने भी टॉपिक्स हैं जो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन आ सकता है लेकिन उनके चांसेस कम होते हैं, उनको इस मोमेंट ऑफ टाइम पर आप सोचो कि मैं इसको अच्छी तरह कर लेता हूं, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। यानी कि उन टॉपिक्स को आप बिल्कुल अवॉइड कर देना है जो आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यानी कि एग्जाम ओरिएंटेड आपको काम यहां पर करना है। और क्या करना है यहां पर, अवॉइड अवॉइड करना है आपको, ऊपर थोड़ा गलत हो गया, करेक्ट कर देता हूं, अवॉइड करना है एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन। कोई भी तरह का आपका है वो अवॉइड करना है। डिस्ट्रैक्शंस क्या हो सकते हैं मैं बता रहा हूं आपको, मोबाइल, YouTube, मोबाइल है, YouTube है ना, YouTube पर आप कई लोग वेब सीरीज देखना शुरू कर देते हैं, मोबाइल पे कुछ कर रहे हैं, ये मोबाइल है, YouTube है, TV, हालांकि TV मेरे ख्याल से आपके लिए कमी होगा, TV है ना, मूवीज है ना, कोई नई मूवी आ रही है, आपका फेवरेट हीरो का मूवी आ चुका है, चलो देख लेते हैं, अवॉइड कीजिए इन 15 दिन के लिए, तो कम से कम आप इनको अवॉइड कर सकते हैं। मोबाइल है, यूट्यूब है, मूवीज है, और मूवीज है, कोई वेब सीरीज है ना, ये बहुत ही खतरनाक होती है वेब सीरीज, मतलब एक बार आपने इसमें पड़ गए तो फिर लगता है कि चलो इसको अब नेक्स्ट क्या है, उसमें टाइम वेस्ट हो जाता है बच्चों। तो इस मोमेंट पर आपको इन चीजों को टोटली अवॉइड कर देना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये है व्हाट नॉट टू डू, यानी कि आपको यहां पर कोई नया चैप्टर जो आपको नहीं आता है उसको इस समय पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा क्या है, अवॉइड एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन, यानी कि आपका मोबाइल है, टीवी है, यूट्यूब है, मूवीज है, वेब सीरीज है, या कोई भी आपकी कोई भी ऐसा डिस्ट्रैक्शन है जिससे आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, उसको आपको यहां पर अवॉइड कर देना है, ठीक है। इन चीजों को ध्यान रखना है। अब व्हाट नॉट टू डू एंड व्हाट टू डू, अब क्या करना है, व्हाट टू डू है ना, व्हाट टू डू है, ये नॉट नहीं, व्हाट टू डू है, अब क्या करना है। तो देखिए, अब इस मोमेंट ऑफ टाइम पर क्या करना है, मेरे ख्याल से सबकी तैयारी ऑलमोस्ट हो चुकी होगी, आपको जो टॉपिक्स आते होंगे वो आपने ऑलरेडी रिवाइज कर लिए होंगे। तो मैं बोलूंगा कि इस समय आपको यहां पर एक रिवीजन स्ट्रेटजी बनानी है। अब रिवीजन स्ट्रेटजी कैसे बनानी है, तो रिवीजन स्ट्रेटजी के लिए बेस्ट तरीका ये है कि आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर लगाना शुरू कर दीजिए। एक रिवीजन स्ट्रेटजी बनानी है, फोकस स्टडी करनी है, यानी कि अब आपको यहां पर डिटेल में नहीं जाना है, फोकस्ड स्टडी करनी है, और इस समय आपको कोई भी क्या कहते हैं हाईफाई क्वेश्चन नहीं करना है, आपको केवल यहां पर अब क्वेश्चन जो करना है आपको मीडियम टू इजी क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने हैं।
इस समय आपको हाई फाई क्वेश्चन यानी टफ क्वेश्चंस को नहीं करना है, ओनली अटेम्प्ट करना है मीडियम टू इजी, इजी से मीडियम जो क्वेश्चंस हैं उनको ही आपको यहां पर अटेम्प्ट करना है। आपको हाई फाई क्वेश्चन जिनमें आपको कैलकुलेशन ज्यादा होती है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं बोलूंगा कि आपको अब नहीं करने हैं। यहां पर आपको केवल इसका ध्यान रखना है, रिविजन स्टडी रहना चाहिए, फोकस्ड आपको स्टडी करना है, मीडियम तो इजी क्वेश्चंस यहां पर करने हैं। अब बच्चों में एक बार से दोबारा से आपको बता देता हूं, हालांकि ये सब मैं ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूं, फिर भी कई बच्चे कहते हैं कि सर के कौन कौन से टॉपिक्स हैं, तो फटाफट से आप देख लीजिए टॉपिक मस्ट टू डू इन फिजिक्स बिफोर जेई मेंस 2020, तो आप देख लीजिए। क्लास 12th से स्टार्ट करना है आपको, 11th बाद में कर लेंगे, 12th में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन है, पोटेंशियल एनर्जी एंड इट्स एप्लीकेशन है, कंडक्टर्स है, इसका आपको ध्यान रखना है, और करंट इलेक्ट्रिसिटी की हम बात करेंगे तो यहां पर है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स जिसमें है गैल्वेनोमीटर, अमीटर, वोल्टमीटर, मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, इनसे इन टॉपिक से क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो ये क्वेश्चंस आपको करने ही चाहिए। नेक्स्ट है क्लास 12th के टॉपिक से कैपेसिटेंस है, तो कैपेसिटेंस में कैपेसिटर्स है विद डाइलेक्ट्रिक है, आरसी सर्किट है, यहां से क्वेश्चंस जरूर आते हैं, तो इनको आप जरूर कर लीजिए। एंड इसके बाद आता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इसमें आपको पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, पूरा चैप्टर को करना है, स्पेशली कौन कौन से टॉपिक्स हैं, अर्थ मैग्नेटिक यानी जो जेई मेंस एक्सक्लूसिव टॉपिक्स हैं उनसे क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। स्पेसिफिकली क्या है आपका, अर्थ मैग्नेटिज्म है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटीरियल्स है, एंड पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक मटीरियल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज है, ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको याद रखना है। क्लास 12th में और क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, मैग्नेटिक फ्लक्स एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इसके बारे में बात करेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस है, आरसी सर्किट है, एलसी ऑसिलेशन है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको आप जल्दी से स्क्रीन शॉट ले सकते हो इनका, इनको आपको याद रखना है, इनको करना है। और क्लास 12th में और टॉपिक्स हैं, अल्टरनेटिंग करंट है, एलसीआर सीरीज सर्किट है, इसमें चोक कॉयल है, डैम्प्ड एंड फोर्स ऑसिलेशन, यानी इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, इससे एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो इसको भी आपको ढंग से कर लेना है। और टॉपिक्स है मॉडर्न फिजिक्स में है, तो मॉडर्न फिजिक्स पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, ऑल टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट, नथिंग टू बिलीव, जस्ट प्रैक्टिस वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है ना, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। क्लास 12th में हम बात करेंगे वेव ऑप्टिक्स है, YDSE है, थिन फिल्म इंटरफेरेंस है, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, तो डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन से एक क्वेश्चन पक्का आता है, एक क्वेश्चन यहां से जरूर आएगा, यानी एक्सक्लूसिव जो जेई में इसके टॉपिक्स है वो तो आपको छोड़ने ही नहीं है, होपफुली आप लोगों ने उनको अच्छी तरह से कर लिया होगा, क्योंकि इनमें क्वेश्चन जो आते हैं बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, फॉर्मुले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, उनको तो आपको बिल्कुल भी यहां पर छोड़ना ही नहीं है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में है प्रिज्म, रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेस एंड लेंस, डिस्पर्जन एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के। और सेमीकंडक्टर्स, लॉजिक गेट एंड कम्युनिकेशन, एक एक क्वेश्चन तीनों से आता है, तो तीन क्वेश्चन यहां पर भी पक्के हो चुके हैं, ठीक है। अब आता है सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास में आता है क्लास 11 का टॉपिक है सेंटर ऑफ मास, इससे क्वेश्चन सेंटर ऑफ मास से पहले के टॉपिक्स को आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वर्क पावर एनर्जी बोलो या आपका न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन बोलो या काइनेमेटिक्स बोलो, ये सारे के सारे टॉपिक सेंटर ऑफ मास रोटेशन में ऑलरेडी इंक्लूडेड होते हैं, कवर्ड होते हैं, तो आईआईटी जेई कभी भी कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन यहां पर नहीं पूछेगा। तो सेंटर ऑफ मास में है कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी विद कैविटी और कट है ना, कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन एनर्जी एंड मोमेंटम कंजर्वेशन एंड कॉलिजन, ये सारे टॉपिक्स यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्लास 11 टॉपिक्स हैं रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, और उसमें आता है कैलकुलेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड एनर्जी, एंगुलर इंपल्स एंड कॉलिजन एंड रोलिंग मोशन, ये सारे के सारे यहां पर टॉपिक्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, जिससे क्वेश्चन आते ही आते हैं जेई मेंस में और एडवांस में भी। और टॉपिक है फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स में आपका आता है बॉयंट फोर्स, बर्नौली थ्योरम, सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा है केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स, कैलोरीमेट्री, इलास्टिसिटी, थर्मल एक्सपेंशन, हीट ट्रांसफर एटसेट्रा, ठीक है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। वेव ऑन स्ट्रिंग में हम बात करेंगे तो वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग, स्टैंडिंग वेव, एनर्जी एंड पावर ट्रांसफर इन वेव, है ना, इंपॉर्टेंट है। साउंड में ऑर्गन पाइप्स है, रेजोनेंस ट्यूब है, बीट्स एंड डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर इफेक्ट और आपका जो बीट्स है, डॉपलर इफेक्ट और आपका क्या कहते हैं रेजोनेंस, ऑर्गन पाइप, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, यहां से क्वेश्चन हर साल आ रहा है। डॉपलर इफेक्ट लो बहुत ही हॉट टॉपिक है, मैं बोलूंगा कि अगर पिछले 3 साल की बात करेंगे तो हर दूसरे साल में यहां पर क्वेश्चन आ रहा है,
तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, ठीक है। तो इन टॉपिक्स को आपको याद रखना है। अच्छा, नेक्स्ट आता है, अब हम बात करेंगे कि अब ये तो हमने टॉपिक्स की बात कर ली कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। एक बार आप दोबारा से इनको देख लीजिए, मैं आपको दोबारा से बता देता हूं ये सारे टॉपिक्स। आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये सब है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का ये रहा, कैपेसिटेंस में ये दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ये है, अल्टरनेटिंग करंट के टॉपिक्स ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं अल्टरनेटिंग करंट में, मॉडर्न फिजिक्स पूरा ही इंपॉर्टेंट है, वेव ऑप्टिक्स YDSE थिन फिल्म इंटरफेरेंस एंड सो ऑन डिफ्रेक्शन पोलराइजेशन ये इंपॉर्टेंट है, ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स में लिख लीजिए भाई प्रिज्म रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेस, आप जस्ट फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए आप। और यहां पर सेमीकंडक्टर लॉजिक गेट पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, तीनों से एक क्वेश्चन आएगा। सेंटर ऑफ मास में ये देख लीजिए, कैलकुलेशन सेंटर ऑफ मास है, मोमेंटम कोलिजन कंजर्वेशन ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। रिजिड बॉडी में मोमेंटम इनर्शिया की कैलकुलेशन, एंगुलर मोमेंटम एनर्जी, एंगुलर इंपल्स कोलिजन एंड रोलिंग मोशन ये इंपॉर्टेंट है। फ्लूड में हम बात करेंगे तो बॉइंट फोर्स है, बर्नौलीज थ्योरम है, सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी है इंपॉर्टेंट है। केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स देख लीजिए भाई, केटी थर्मोडायनेमिक्स कैलोरीमेट्री इलास्टिसिटी ये सब इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। वेव ऑन स्ट्रिंग देख लीजिए, वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग स्टैंडिंग वेव्स एनर्जी एंड पावर ट्रांसफर्ड इन वेव साउंड वेव है, साउंड वेव में ऑर्गन पाइप्स रेजोनेंस ट्यूब बीट्स एंड द डॉपलर इफेक्ट ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब लास्ट क्या कहते हैं 15 डेज स्ट्रेटजी का, टेक अ मॉक टेस्ट थ्राइस अ वीक, यानी तीन एक हफ्ते में तीन बार आपको यहां पर क्या करना है मॉक टेस्ट लेना है। अब इस समय जो आ चुका है टाइम वो फुल लेंथ मॉक टेस्ट लेने का टाइम आ चुका है। रिव्यू द टेस्ट एंड फिल द गैप, यानी कि आपको क्या करना है, अब रोज वही टाइम जो है 9 to 12 है और 2 to 5 है, तो आपका जो भी स्लॉट आपको अलॉट हुआ है मेरे ख्याल से आपको पता चल गया होगा, तो आप जो भी आपको स्लॉट अलॉट हुआ है तो उसके अकॉर्डिंगली आपको क्या करना है, उस स्लॉट में जो भी आपका 9 to 12 का स्लॉट है या 2 to 5 का स्लॉट है उसमें आप क्या है एक टेस्ट जरूर दीजिए। आपको जैसे आपने MWF चूज लिया तो मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को आप दे दीजिए, तो मंडे को टेस्ट दिया, मंडे को जो टेस्ट दिया उसमें उसकी तुरंत टेस्ट के बाद जैसे मान लो आपने 9 से 12 टेस्ट दिया है, 9 से 12 आपने टेस्ट दिया है तो 9 से 12 टेस्ट के बाद 12 बजे के बाद आप थोड़ा ब्रेक ले लीजिए और तुरंत आप रिवाइज कीजिए कि भी कितने क्वेश्चन आपके सही हुए कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं, और उनको देखते हुए फिर आपको क्या करना है यहां पर कि क्या कहते हैं आपका मॉक टेस्ट के बाद आपको ये देखना है कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको नहीं आए, कौन कौन सा पार्ट नहीं आया, और वो अगर आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है तो उस क्वेश्चन को या उसके करस्पॉन्डिंग जो पार्ट है उसको तुरंत एक आप क्या कीजिए रिविजन कर लीजिए। रिविजन कर लोगे तो उसके बाद आप जब वेंसडे को टेस्ट देने जाओगे तो उस समय आपके वो जो वीक एरियाज हैं वो ऑलरेडी आप फिल कर चुके हो, तो आपको रिव्यू करना है टेस्ट को और फिल द गैप्स, यानी कि आपको जो जो टॉपिक्स का क्वेश्चन नहीं आया वो क्यों नहीं आया उसको आइडेंटिफाई करना है, उसके करस्पॉन्डिंग कॉन्सेप्ट है उसको रिवाइज करना है, और ये काम करना है तो हर अल्टरनेट डे में आपको करना है। तो एक दिन आपको टेस्ट देना है, दूसरे दिन जो जो टॉपिक्स आपके जिसमें कमी रह गई थी उसको आपको रिवाइज करना है, और आपको जो गैप्स हैं जो आपके गड्ढे हैं जो वहां पर आपने काम नहीं कर पाए हैं उसको फिल करना है, ठीक है। तो ये इसकी स्ट्रेटजी रहेगी, इसको ध्यान रखना है। और इस समय अगर मैं बोलूंगा कि आपको यहां पर क्या करना है तो बेस्ट बेस्ट है 2018 एंड 2019 में आपके जो जेई मेंस के टॉपिक्स जेई मेंस के आपके क्विजेस हुए थे टेस्ट हुए थे जेई मेंस के टेस्ट जो हुए हैं, यानी कि अगर देखा जाए तो आपके जनवरी अटेम्प्ट भी था और आपका क्या कहते हैं अप्रैल वाला भी था, तो उसमें अगर देखा जाए 10-12 के अराउंड टेस्ट हैं, अगर उन्हीं में से ही आप उठाते हो रैंडमली उनको ही अगर आप सॉल्व करते हो तो आपको आइडिया लगेगा कि लेटेस्ट ट्रेंड क्या है और किस तरह के क्वेश्चंस आईआईटी जेई में पूछे जा रहे हैं। तो मैं बोलूंगा जेई मेंस के आप क्या कहते हैं 2018 और 2019 के जो पेपर्स हैं वो सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए, डेफिनेटली आपको इसका ट्रेंड क्या है लेटेस्ट ट्रेंड क्या है उसका भी आइडिया लगेगा, और उससे आपका क्या है कि सारे टॉपिक्स भी यहां पर कवर हो जाएंगे। तो इफेक्टिवली देखा जाए तो 15 दिन है, तो इन 15 दिन में आप 7
सात जो है मॉक टेस्ट ले सकते हो, 7 मॉक टेस्ट लेते हो, दे आर मोर देन सफिशियंट। ज्यादा आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, अपने आप को रिलैक्स रखिए, कूल एंड काम रखिए। बट ध्यान रखना है कि आपको जब भी मॉक टेस्ट लेते हो उसके बाद आपको उसको रिव्यू जरूर करना है। जब तक आप रिव्यू नहीं करोगे तो आपको अपनी गलतियों का एहसास नहीं होगा, और गलतियों का एहसास नहीं होगा तो आप उस पर वर्क नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, अपनी गलतियां आइडेंटिफाई कीजिए और उनको आपको दूर करना है। तो 7 अगर टेस्ट दोगे तो 7 टेस्ट में अगर आपने हर टेस्ट में 2 गलतियां भी आइडेंटिफाई कर दी तो 14 चैप्टर्स आपके यहां पर कवर हो जाते हैं, 14 आपके टॉपिक्स यहां पर कवर हो जाते हैं। तो डेफिनेटली आपको यहां पर बहुत फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आपको जरूर ध्यान रखना है, है ना। तो ये है, तो आपने मेरे ख्याल से आप लोगों ने टॉपिक वाइज ऑलरेडी सब कुछ कर रखा होगा। तो नाउ जो टाइम आ चुका है वो टॉपिक वाइज वाला टाइम खत्म हो चुका है। अब आपको यहां पर केवल और केवल अटैक करना है। आप क्या कीजिए, मॉक टेस्ट ले लीजिए और मॉक टेस्ट के बेसिस पर आप देखिए कि कौन सा टॉपिक आपका वीक रह रहा है, क्या आप उसको कर पा सकते हो, कर सकते हो। अगर कर सकते हो तो डेफिनेटली बोलूंगा उसको कर लीजिए। लेकिन आपको लगता है नहीं ये तो मेरा ऑलरेडी वीक टॉपिक था, जैसे कई बच्चे होते हैं जिनको लगता है रोटेशन तो बहुत टफ टॉपिक है, मेरे को उतना कंफर्टेबल नहीं था, मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाया था, मैं उसको कवर भी नहीं कर पा रहा हूं। तो कोई बात नहीं, अगर कवर नहीं हो पा रहा है तो दिस इज नॉट द राइट टाइम टू कवर इट, क्योंकि अगर आप रोटेशन के पीछे पड़ गए तो रोटेशन को ही करने में कम से कम आपको 1 हफ्ता लग जाएगा। तो इस मोमेंट पर आप कोई भी नया कोई भी टॉपिक है, नया कोई चैप्टर है, उसको अभी हाथ नहीं लगाना है। तो ये ध्यान रखना है, मेरे जो डूज एंड डोंट्स थे इनका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ओके। तो अल्टीमेटली बोलूंगा कि अपने आप को कूल एंड काम रखिए, प्रॉपर स्लीप लीजिए, रात में सोइए और दिन में सोना अवॉइड कीजिए। दिन में सोने का खास मतलब यह है कि अगर आपका 2 to 5 का स्लॉट अगर आपको मिला है तो 2 to 5 में तो बिल्कुल भी आपको यहाँ नहीं सोना है, आपको उस समय बिल्कुल जगे रहना है, क्योंकि अगर जगे रहोगे तभी आप अपनी प्रॉपर अपने दिमाग को एक्टिवेट करोगे। और ध्यान रखना है कि अगर आपका 2 to 5 का स्लॉट है तो 2 to 5 के स्लॉट में ही आपको मॉक टेस्ट देना है। अगर आपका 9 to 12 का स्लॉट है तो 9 to 12 के स्लॉट में ही आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट देना है। तो इन सब चीज़ों का आपको प्रॉपर ध्यान रखना है बच्चों। तो यही मेरी ट्रिप थी। तो इस समय कहूँगा कि रिलैक्स रहिए, कूल एंड काम रहिए और अपना मॉक टेस्ट जरूर दीजिए, बहुत जरूरी है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। और हाँ, मॉक टेस्ट के लिए मैं बोलूँगा कि अगर आपने अगर कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी तो अच्छी बात है, नहीं ज्वाइन कर रखी है तो आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आ सकते हैं। वहाँ पर बहुत ही वंडरफुल टेस्ट सीरीज चल रही हैं, और वहाँ पर आपको मतलब वैरायटी मिलने वाली है, फुल लेंथ भी है, पार्ट टेस्ट भी हैं। तो आपको जैसी जहां आपकी स्टेज है, जिस स्टेज पर आपकी प्रिपरेशन है, उसके अकॉर्डिंगली आप यहां पर टेस्ट सीरीज को यहां पर ले सकते हैं। अगेन आपका एम जनवरी अटेम्प्ट ही नहीं है, आगे आपका अप्रैल वाला भी एग्जाम है, फिर मई में एडवांस भी है। तो फुल लेंथ के हिसाब से मैं बोलूंगा अनअकैडमी इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म, आप आ सकते हैं। अगर आपको मेरी पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो ये मेरा कोड है, इसको आप यूज कीजिए, दैट इज पीपी लाइव। इसको यूज करेंगे तो आपको प्लस में 10% का डिस्काउंट मिलेगा, साथ में मेरी पर्सनल मेंटरशिप आपको मिल जाएगी। ठीक है, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स लॉट।